विधवा, 14 साल हो गया मेरे आदमी खत्म हो गया। आपको और सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिली हैं? कुछ भी नहीं मिला है हमको, राशन भी नहीं मिलता है, पेंशन भी नहीं मिलती थी, आप रहने की जगह नहीं है, घर द्वार सब गिर गया है, जो है रात की बच गए ना, हम सुबह जो ना हम तक मर भी जाए, जो ना है दुनिया का आवास देता हम का लोग कुछ नहीं दे। प्रधान जी बोले कि हमारा नाम है जो है आवास में, बहन की आवास में तुम्हारा नाम है तो जाओ, जो दे रहा है उससे ले लो तुम, हम नहीं दे पाए। खबर प्रतापगढ़ जिले के मानधाता ब्लॉक के धर्मपुर गांव से है, जहां कुदरत के कहर से एक गरीब विधवा महिला बेघर हो गई। गरीब विधवा महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सरकारी आवास के लिए गरीब महिला सालों से सांसद, विधायक और विकास विभाग के अफसरों के ऑफिस का चक्कर काटती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि 20 सितंबर की रात हुई जोरदार बारिश में मानधाता ब्लॉक के धर्मपुर गांव निवासी विधवा महिला गीता देवी पत्नी स्वर्गीय महेंद्र धुरिया का जर्जर कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। देर रात आई इस आफत की बारिश में महिला और उसके बच्चे बाल बाल बच गए, लेकिन जो टूटी फूटी गृहस्थी थी वो पूरी तरह चौपट हो गई। खाने पीने का सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। गरीब विधवा महिला ने बताया कि सरकारी आवास के लिए उसने कई बार प्रधान से कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ब्लॉक भी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित महिला सांसद प्रतापगढ़ के यहाँ पहुंची और आवास के लिए मदद मांगा। सांसद जी ने विकास विभाग के अफसरों को पेच कसने के बजाय आश्वासन देकर महिला को लौटा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावों की हकीकत आप सबके सामने है। वैसे सरकारी आवास के नाम पर अवैध धन उगाही के बारे में तो आप सबने सुना होगा। अगर इस गरीब महिला के पास विकास विभाग और ग्राम प्रधान की जेब गर्म करने के पैसे होते तो शायद इस गरीब महिला को अब तक आवास मिल चुका होता। लेकिन जिस महिला के पति की मौत 14 साल पहले हो चुकी हो, पति के मरने के बाद दो बच्चों को पालने और पढ़ाने के लिए कदम कदम पर जिस महिला ने गरीबी से संघर्ष किया हो, वो कहां से ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधान और सेक्रेटरी को पैसे देती। इन सब के बीच सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस गरीब विधवा महिला का आज तक राशन कार्ड भी नहीं बना। धर तेरे ऐसे सिस्टम की ऐसी शर्मनाक तस्वीर आपके सामने है। अगर इस महिला की मदद करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ऐसी कमरों में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे नेताओं तक इस महिला की आवाज पहुंचे और शायद ऐसे नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे दे, जिससे इस गरीब महिला की मदद हो सके। ये कि रहने की जगह नहीं है, घर द्वार सब गिर गया है, जो ना है रात की बच गए ना, हम सुबह जो ना हम तक मर भी जाए, ये सब दिक्कतें हैं कि आज कई के साल से भटकत है, जो ना है दुनिया का आवास देता हम का लोग कुछ नहीं देता। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्का मकान नहीं है? नहीं। कच्चा आवास है आपके पास? हाँ। और ये कच्चा घर कल की बारिश में गिर गया? हाँ, पूरा गिर गया। तो आपको आज तक आवास नहीं मिला है? नहीं मिला। तो आपने आवास के लिए जो है किससे कहा? ब्लॉक गई आप, सिक्रेटरी साहब से, गांव के प्रधान जी से आप मिली? कही एक बार। हाँ, प्रधान जी से मिले तो प्रधान जी से बोले कि हमारा नाम है जो है आवास में, बहन की आवास में तुम्हारा नाम है तो जाओ, जो दे रहा है उससे ले लो तुम, हम नहीं दे पाए। हाँ, और ब्लॉक भी गए थे, विकास भवन भी गए थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं। आज तक आवास नहीं मिला? नहीं मिला। आपके घर में कौन कौन है? ये आप बच्चे कितने हैं आपके? दो बच्चे हैं, हिमांशु कश्यप, प्रियांशु कश्यप। आप विधवा हैं? विधवा हैं, 14 साल हो गया मेरे आदमी खत्म हो। आपको और सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिली हैं? कुछ भी नहीं मिला है हमको, राशन भी नहीं मिलता है, पेंशन भी नहीं मिलती थी। आप विधवा हैं और आपको राशन कार्ड भी नहीं मिला है? नहीं, नहीं मिला है। आवास भी नहीं मिला है? नहीं मिला। आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं है? नहीं है। आज तक कोई अधिकारी आपका घर देखने नहीं आया? एक बार सेक्रेटरी आया था जो है, उसको भी जो है प्रधान ने अपना डाक फटकार उसका ट्रांसफर करवा दिया। अच्छा, प्रधान जी के दबाव में आपको जो है आवास आज तक नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जय हिंद।